सभी को राधे राधे। मैं शिव सिंह और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपके उन सारे प्रश्नों के उत्तर देना चाहती हूँ जो मेरे पास काफी दिन से आ रहे थे कि दीदी प्लीज तीन बेस वाली ढोलक बता दीजिए, आप कैसे बजाते हैं, आप नाग की टपली कैसे बजाते हैं, नाग की टपली पर आप जब भजन गाते हैं तो नाग की टपली को ढोलक के साथ कैसे मैच करते हैं, ये सारी चीजें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपकी कोई भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स द्वारा जरूर बताइए ताकि मैं आपकी उस परेशानी का हल कर सकूं। अगर आप मुझे बताएंगे नहीं तो मैं आपकी प्रॉब्लम को कैसे हल कर सकूंगी। मेरे पास एक प्रश्न और भी आया था कि मैंने ढोलक बजाई है और मैंने उसका छोटा सा एक वीडियो बनाया है, मैं वो आपको कैसे भेजूं। मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है और आप मुझे अपनी छोटी सी क्लिप बनाकर उस पर भेज सकते हैं ताकि मैं आपको देख कर बता सकूं कि आपने प्रॉब्लम कहाँ की है। तो चलिए आज सारे उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं अपनी इस वीडियो में। जो लोग इसे देखते हैं, जो बिगनर्स हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है कभी कभी ढोलक अटैच करने में, ढोलक के साथ ढपली अटैच करने में और फिर ढपली से ढोलक लाने में। तो चलते हैं और शुरुआत करते हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर से। तो सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को लाइक करें, और वो आप करते ही हैं। तो चलते हैं सबसे पहले नाल की ढपली की स्टार्टिंग। जब मैंने सीजन वन में नाल की ढपली को सिखाया था तो एक अलग तरीके से सिखाया था ताकि आप उसे कैच कर सके, लेकिन मैंने जब इस बार सीजन में आपको नाल की ढपली सिखाई तो बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से सिखाई थी। तो आज मैं आपको नाल की ढपली वहां से सिखाऊंगी जहां से आप भजन में उसे अटैच कर सकते हैं, बिल्कुल मिक्स कर सकते हैं ताकि आप कहीं अटके नहीं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले नाल की ढपली की स्टार्टिंग से। हम जब भी नाल की ढपली बजाते हैं तो हाथ को यहां रखते हैं और इस हाथ को यहां रखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। फिर हम बजाते हैं पहला स्टेप, यानी कि पहला स्टेप सॉरी नाल की ढपली पे स्टेप यहां रखेंगे और सबसे पहले बजाएंगे हम पहला स्टेप, जैसे हम ढोलक में बजाते हैं ना, पहला खाली और दूसरा साथ, यानी वन और टू। तो कैसे बजाएंगे, वन टू, वन खाली टू साथ, वन टू वन टू वन टू। अब बजाएंगे थ्री और फोर, तो कैसे बजाएंगे, टोटल हमारे नाल की ढपली में होते हैं सेवन स्टेप, तो सेवन स्टेप को हम कैसे बजा रहे हैं, यानी हमने दो बजाए हैं अभी, दो यानी कि वन और टू, तो कैसे बजाए हैं, वन टू वन टू वन टू। इस हाथ को आप बहुत ढीला लगाइए थोड़ा सा, अगर आप टाइट कर देंगे तो इसमें से आवाज नहीं आएगी। इस उंगली को ना लगाएं, आवाज दब जाएगी। कैसे बजा रहे हैं, वन टू, फिर हाथ को यहां रखेंगे और इस हाथ को यहीं रहने देंगे। फिर हम बजाएंगे थ्री फोर, तो हम बजाएंगे थ्री थ्री सात, फोर खाली, ध्यान से सुनिएगा, वन खाली टू सात थ्री सात फोर खाली, यानी कि ये खाली है और ये खाली है, ये दोनों साथ हैं, बीच की जो टू और थ्री है वो साथ है, सिर्फ हाथ का चेंज है, चेंज यानी एक यहां बजाए टू और थ्री यहां बजाए। फिर से देखते हैं एक बार, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। चार स्टेप है हमारे नाल की ढपली जो मैं अभी आपको सिखा रही हूं, वो चार हैं, अभी तीन और हैं इसके बाद, वो हम बाद में देखेंगे, पहले चार देखते हैं, वन खाली टू सात थ्री सात फोर खाली, यानी कि वन टू थ्री फोर, ठीक है ना, थ्री फोर, यानी कि पहला यहां बज रहा है, सेकंड यहां बज रहा है, ठीक है। अब हम लगाते हैं फाइव सिक्स सेवन, ये हमने फोर बजा लिए, अब देखिए हाथ हमारा यहां रखा हुआ है, यहां हम यही रखेंगे इसको और कैसे उठाएंगे, फाइव पर फाइव सिक्स और सेवन, लास्ट हमारा कहां हो रहा है, यहां यहां हो रहा है, वन ठीक है टू थ्री फोर, यानी हम सेवन स्टेप में इस हाथ को दो बार, यानी
दो बार नीचे और दो बार ऊपर लाते हैं, 1 2 3 4 और यहां बजा रहे हैं हम, ठीक है। तो कैसे बजाया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 पांच, सिंगल पर बजा रहे हैं हम पांच, यहां बजा रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है। मैच करते वक्त हमने इन चीजों को देखा है, सिर्फ मैच किया है, यानी कि 1 2 दो बज गए इधर के और यहां का सिंगल, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे कंटिन्यू मिक्स कैसे करना है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 काउंटिंग। आप काउंटिंग का विशेष कर से ध्यान रखें, क्योंकि काउंटिंग के हिसाब से ही आपके स्टेप चलने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 आपको अगर क्लियर तरह से सारे स्टेप दिख रहे हो तो प्लीज आराम आराम से ही सारे स्टेप को बजाइएगा। अगर आप थोड़ी सी भी जल्दी कर देंगे तो इन स्टेप को हमें मैच नहीं करना है कि एक साथ आपने मैच कर दिया। ढपली में पहला स्टेप 1 2 और 3 4 के बीच में एक माइनर सा सेकंड एक गैप होता है, बहुत माइनर सा, ताकि आपको हमें ये लगे कि आपने यहां तक ये रोका है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, अगर ये स्टेप यहां है तो यहां लाने के लिए इसे पहले ही लाकर नहीं रखेंगे, यहीं से उठाकर लाएंगे, यहां से उठाकर यहां जब स्टेप बजेगा, और यहां से उठाकर यहां, देखिए यानी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये है हमारी नाल की ढपली। इसे हम ढोलक के बीच में कैसे लगाएंगे ये आज मैं आपको बताती हूं कि हम इसे ढोलक के बीच में कैसे मैच करेंगे। सबसे पहले हम चाहे ढोलक की ढपली बजाएं और चाहे नाल की ढपली, पहले स्टेप से कभी मैच नहीं होती, हमेशा सेकंड स्टेप से ही मैच होती है। अब हम उसे कैसे मैच करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम ढोलक बजाते हैं, सिंपल ढोलक, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 अब हमने यहां 7 पर हाथ रोका और चेंजिंग का स्टेप बजाया, यहां बजाया, यहां रखते हैं हम तीसरा स्टेप बजा के 1 2 3 1 2 3 1 1 पे रोक के तुरंत नाल की डबली को कैसे बजाना है, सेकंड स्टेप से, यानी कि जो हम 3 4 वाला स्टेप बजाते हैं, 1 2 वाला नहीं। 1 2 क्या होता है, 1 2 हम इससे ढोलक के बीच में नाल की डबली को अटैच नहीं करेंगे, कैसे करेंगे, 3 4। अब देखिए मैं आपको ये पूरा सर्कल मैच करके दिखाती हूं कि इसे आप कैसे मैच करेंगे। ढोलक बजाते हैं, चेंजिंग का स्टेप, अब नाल की ढपली हमने कैसे मैच की, 3 4 5 6 7 ठीक है, 3 4 5 6 7 फिर स्टार्टिंग 1 2 से लेकर आएंगे, यानी कि 3 4 5 6 7 हम जब भी ढोलक के बीच में नाल की ढपली को अटैच करते हैं तो 3 4 5 6 7 से करते हैं, इसके बाद जब हम बजाते हैं तो उसे 1 2 से बजाते हैं, यानी कि पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं 3 4 से, 1 2 से नहीं, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
वन टू लाते हैं फाइव सिक्स सेवन के बाद, यानी कि थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है ना। अगर आज आपको इन चीजों में भी कोई भी प्रॉब्लम समझ में आए या आपको नहीं समझ में आ रही, आप मुझे प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपकी इस प्रॉब्लम को बार बार दूर करने की कोशिश करूंगी जब तक आपको ये नाक की टपली नहीं आ जाती। क्योंकि आप लोगों ने नाक की टपली की बहुत तारीफ की है कि आपकी नाक की टपली जब आप बजाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं कि ढोलक पर जो हम तीन टपली का बेस बजाते हैं वो हम कैसे बजाते हैं। सबसे पहले तो ढोलक के हम तीन स्टेप बजाते हैं और चौथा बजाते हैं यहां। तो जब तीन बजाते हैं उन्हें हम कैसे मैच करते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। मेरे पास एक प्रश्न आया था कि हाँ कि ढोलक और बेस मिलाकर सेवन स्टेप होते हैं। हाँ सेवन स्टेप ही होते हैं और ढपली में भी सेम सेवन स्टेप ही बजते हैं जो हम ढोलक में बजाते हैं। वो उन चीजों को भी आज देखते हैं कि हम उन्हें कैसे बजाते हैं। सबसे पहले ढोलक की स्टार्टिंग करते हैं कि हम वो सेवन स्टेप कैसे बजाते हैं, यानी तीन बेस से लेकर सेवन स्टेप तक हम कैसे बजाएंगे। पहली शुरुआत काउंटिंग, आप काउंटिंग बोलते रहिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 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 वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। अब हम इसकी ढपली को देखते हैं कि उसमें सेवन स्टेप कैसे बजाते हैं। चेंज थोड़ा सा है सिर्फ इस हाथ का, इस हाथ में नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ढोलक की ढपली इतनी इजी तरह से बजती है क्योंकि जो हाथ हम यहां बजाते हैं उसे हम यहां बजाते हैं। बाकी सब कुछ जैसे हम ढोलक में मैच करते हैं सब कुछ वैसे ही इसमें मैच करते हैं। कैसे करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। अब ढपली देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। आज मैंने आप ही के लिए इतनी करीब से ये वीडियो बनाई है ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए, आप एक एक स्टेप को क्लियर तरह से देख सकें। इसलिए आज मैंने आपके लिए इतनी पास से ये वीडियो बनाई है ताकि आपको एक भी स्टेप समझने में प्रॉब्लम नहीं आए। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए बैठी हुई हूं, आप मुझे बेझिझक अपने प्रश्न भेज सकते हैं ताकि मैं उनका आंसर दे सकूं। आज हम देखते हैं कि हम ढोलक और ढोलक की ढपली के बीच में जो चेंजिंग स्टेप लगाकर जब हम ढोलक की स्टार्टिंग करते हैं और ढोलक को हम मैच कैसे करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में ढोलक मैच करना और ढपली को मैच करना, ये हम बीच में कैसे कर देते हैं। क्या होता है जब हम शुरुआत कर देते हैं किसी चीज की तो वो अटक जाती है। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जब हम ढोलक की शुरुआत करते हैं तो सिंगल स्टेप लगा के फाइव सिक्स सेवन बजाते हैं, वन टू थ्री फोर से नहीं, सिंगल फाइव सिक्स सेवन और ढोलक स्टार्ट। मैं आपको बजाकर दिखाती हूं, हमने बजाई स्टार्टिंग की ढोलक की, कैसे लगाया, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है। नौ स्टेप बजाने के बाद हमने बजाया सिंगल, फिर वन टू थ्री, यानी कि जो आप फाइव सिक्स सेवन बजाते हैं सिंगल फाइव सिक्स सेवन, चेंजिंग स्टेप। अब हमने चेंजिंग के स्टेप के बाद ढपली कैसे मैच की, सेम टू सेम ढोलक है ये, सिर्फ चाटी पे हाथ रखने का तरीका अलग हो गया है। इसको लगाना बहुत इजी है, आप इसे फर्स्ट स्टेप से लगा सकते हैं।
यानी कि ढोलक की टपली को, लेकिन नाल की टपली में आप 3, 4, 5, 6, 7 से ही लगाएंगे। चेंजिंग का स्टेप लगाते ही हाथ को नीचे ले आइए, यानी कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 तुरंत, यानी कि 3, 4, 5, 6, 7 फिर स्टार्टिंग से। इस डबली को मैं आपको भजन के बीच में लगाकर दिखाती हूं कि आप इसे कैसे लगा सकते हैं। देखिए, मैं एक बहुत प्यारा सा बिहारी जी का भजन गा रही हूं और उसे देखिएगा कि उसके बीच में मैंने नाल की टपली को कैसे सेट किया है। हो तूने तिना दिया ऐ मेरे सांवरे, तूने तिना दिया ऐ मेरे सांवरे, अब होता है गुजारा बड़े आराम से, अब होता है गुजारा बड़े आराम से, तूने तिना दिया ऐ मेरे सांवरे, तूने तिना दिया ऐ मेरे सांवरे, अब होता है गुजारा बड़े आराम से, अब होता है गुजारा बड़े आराम से। देखा आपने नाल की टपली को लगाने का सिंपल तरीका आज। और नाल की टपली जितनी लगाने में लगती ना कि बहुत टफ है या ये कैसे बजा पाएंगे हम, ये बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। 7 स्टेप का कमाल होता है कि भजन में जब ये मिलकर लगती है ना तो बहुत आनंद देती है। तो आज आपके अगर कोई और प्रश्न भी रह गए हो तो प्लीज मुझे दोबारा से याद लाइएगा। और जाते जाते मैं सभी से कहना चाहती हूं कि आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज में आ रही हो, चाहे वो ढोलक से रिलेटेड या नाग ढाबी से रिलेटेड या भंगड़ा से रिलेटेड हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलते हैं, और सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को लाइक करें। तो कहते हैं राधे राधे।